हम श्लॉसबर्ग की लिफ्ट के लिए जा रहे हैं। तो ये टनल सी एक बनी हुई है, वहाँ से ही उस पहाड़ के नीचे से पूरी गुजर के जाएगी और फिर दूसरी साइड पे लिफ्ट है। अबू ने कोशिश की है चढ़ाई चढ़ने की, लेकिन वो बड़ी स्टीप चढ़ाई थी, तो फिर वो स्टीप चढ़ाई को छोड़ के फिर हम इधर आ गए हैं। तो ये अब वो टनल यहाँ कैमरे में तो ज़्यादा रोशनी, देखें कैमरे में कितनी रोशन नज़र आ रही है, वैसे बड़ा अंधेरा है, अजीब गरीब सा काम है। श्लॉसबर्ग के लिफ्ट के लिए खड़े हुए हैं, यहाँ ये स्लाइड बनी हुई है, इसमें से ऊपर से लोग चलते हैं और यूँ घूमते 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 घूमते, काफ़ी ऊंची स्लाइड है, वहाँ से यूँ घूमते हुए आते हैं। ये पीछे देखें ना वो जो चीज़ चल रही है उसके अंदर से होते हुए वो यूँ जाते हैं नीचे। अभी मैंने एक को तो देखा जाते हुए, हम अब लिफ्ट के इंतज़ार में करेंगे, इधर यार बैठे जाना, ताश खेल रहे हैं, रुकती है हमारे लिए। अड़ी रुक, मुझे यही लगता है कि वो कहेंगे जी नीचे से जाके जो है ना। हाँ जी, ये मैं फिर वापस अब टनल में आ गया हूँ, अब्बू को तो नीचे छोड़ आया हूँ, खुद अब मैंने फिर मैंने कहा मैं टनल से गुजर के ऊपर चोटी पे जो है ना हमारी चोटी से फिर नीचे उतरेंगे तो फिर कार आएगी जहाँ अम्मी बैठी हैं कार में, फिर मैं वहाँ से कार लेके वापस आऊँगा अबू को उठाने। ये इस तरह का सेटअप है, इसमें जो है ये आर्ट वर्क हुआ हुआ है अजीब गरीब किस्म का टनल के अंदर। लाइट at the end of the tunnel, there's always light at the end of the tunnel. हर सुरंग के आखिर में इख्तिताम होता है। पहले अबू के साथ उतर के हम आके इधर गए थे, यहाँ वो सामने लिफ्टें थी उनसे हम ऊपर ना जा सके, फिर सीढ़ियाँ उतर के नीचे गए और वहाँ से हमने टिकटें ली और लिफ्ट के ज़रिए ऊपर गए। वो पूरा पहाड़ ऊपर चढ़ा के लिफ्ट आपको ऊपर लेके जाती है। तो अब मैं वो पहाड़ जो है वो इस टनल के थ्रू जा रहा हूँ। Beautiful view from Schlossberg Castle in Graz and the clock towers announcing that it's 7 p.m. नहीं, 100 मीटर